तो हेलो भाई लोग, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में ये हमने ओपी सा ट्रेडिंग हॉल बनाया था, और इस एपिसोड में ना हम लोग बनाने वाले हैं आयरन फार्म। सो सबसे पहले ना मैं आपको मेरी चेस्ट दिखाता हूँ, मेरे पास कितने आयरन पड़े हुए। सब जितना भी आयरन था सब ख़त्म हो गया, मैं जो एक दो एपिसोड पहले माइन करके आया था। और इधर से देख सकते हो मैंने चेस्ट में, देखो बस 64 और 15, मतलब एक स्टैक और 15 ही बचे हैं, और एक रॉ आयरन है और एक 5 नेगेट है। तो मैं ना अभी सबसे पहले शर्कर बॉक्सेस निकाल लेता हूँ और सामान इकट्ठा करके आप लोगों को मिलता हूँ। तो भाई लोग मैंने जो कोई भी नॉर्मल सा सामान था वो इकट्ठा कर लिया, और मेरे को 20 बेड और 20 फ्लैचिंग टेबल चाहिए, तो एक वो सब मैं लेके मिलता हूँ। A few moments later. तो भाई लोग मैंने ना सामान इकट्ठा कर लिया और एक जगह पे आ चुका हूँ। मेरे घर से एक 200-300 ब्लॉक दूर है, और मैंने ना इधर पे सब कुछ लगा के एरिया भी क्लीन कर लिया। और देख सकते हो सबसे पहले आपको ना 5x5 का गड्ढा कर लेना है, और उसको ना मतलब टोटल 12 ब्लॉक का डीप रखना है। तो आपको पहले 12 ब्लॉक डीप चले जाना है। तो मैं 12 ब्लॉक होने ही वाले, तो 12 ब्लॉक हो गए अभी, और इसको ना पूरा क्लीन कर लेना है। तो मैं क्लीन करके मिलता हूँ आपको। 1 hour later. तो भाई लोग मैंने ना पूरा क्लीन कर लिया, और देख सकते हो इधर पे ना आपको टू टू ब्लॉक सही से लगाना है सब तरफ। और लगाने के बाद उसके ऊपर बेड्स लगा देना है, और उसके बाद ना आपको ये पूरे ब्लॉक नीचे जो लगाए थे उसको हटा देना है। तो उसको हटाने के बाद ना उसके नीचे भी आपको पांच पांच बेड करके लगाना है। तो उसके बाद आपको लगाने के बाद ये जो बीच में एक लाइन बचेगी इसको पूरा फिल कर देना है, और ये सब फिल कर देना है। तो उसके बाद एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने के बाद ना आपको इधर पे एक एक लाइन तोड़ते रहना है। मतलब देखो ये एक लाइन ऐसा पूरा हटा देना है। तो उसके बाद आपको ना फ्लैचिंग टेबल लगाना है हर तरफ पाँच पाँच, देख सकते हो। मतलब मैंने ना ये विलेजर लेके आ चुका हूँ इधर पे, मैंने ना ये पार्ट स्किप कर दिया और इनको दे दिया है ब्रीडिंग करने के लिए ब्रेड, और देखो चालू हो गया। 1 hour later. तो भाई लोग मैंने ना इधर पे देख सकते हो टोटल 20 विलेजर हो गए। ये इसको ना बहुत मेहनत लगी, मतलब ये बड़े होने में इतना टाइम लगा रहे थे ना। मैंने इधर पे थोड़ी देर मतलब 1-2 घंटे इधर पे ही स्पेंड किए मैंने, और ठीक 20 करना था विलेजर। देख सकते हो एरन गोलन भी स्पॉन हो गया। तो भाई लोग ऐसे आपको फिर से प्लेटफॉर्म बना लेना है विलेजर के ऊपर, मतलब फ्लैचिंग टेबल के एक लेयर ऊपर, और इधर पे एक कॉर्नर डिसाइड कर लेना है। और उसके बाद इधर पे ना आपको चेस्ट वगैरह मतलब कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है। तो मैं जैसे कर रहा हूँ ना आपको वैसे कर लेना है, और ये फ्लैचिंग टेबल के ऊपर वाला भी एक ब्लॉक तोड़ लेना है, और उसके बाद इधर पे एक चेस्ट लगा देना है। तो मैं जैसे लगा रहा हूँ अभी गलती से विलेजर को लग गया, मैं जैसे लगा रहा हूँ वैसे लगाना, और इसको चेस्ट के साथ कनेक्ट कर लेना है। और जो हॉपर के आसपास के दो ब्लॉक है ना इसको डिग कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, मतलब खोद देना है, और इसको ना फर्स्ट वाले हॉपर से और दो हॉपर कनेक्ट कर देना है। और इधर पे आना है और ये इधर पे 3 ब्लॉक डिग करना है। 3 ब्लॉक डिग करने के बाद देख सकते हो इधर पे डबल चेस्ट लगा देना, और डबल चेस्ट लगाने के बाद ऊपर की तरफ माइन कर लेना है अपने कलेक्टिंग का मतलब सामान वगैरह आयरन वगैरह कनेक्ट करने। इधर पे लैडर वगैरह लगा लेना है अपने आप। इसके बाद आप लोगों को इधर पे 2 ब्लॉक्स लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, और लगाने के बाद ना इधर पे साइन बोर्ड लगा देना है, एक नीचे लगाना और दो ऊपर लगाना। देख सकते हो कितना जल्दी आयरन गोलम स्पॉन हो रहे हैं फटाफट। और इधर पे देख सकते हो इधर पे एक और साइन बोर्ड लगा लेना, और इधर पे एक साइन बोर्ड लगा देना, तीन ही साइन बोर्ड का काम है। और एक लावा बकेट डाल देना, और पीछे वाले कॉर्नर पे देख सकते हो मैं जैसे लगाऊंगा अभी, देखो पीछे वाले कॉर्नर पे वाटर बकेट डाल देना, और आपका आयरन फॉर्म कंप्लीट। तो भाई लोग जब भी आप लोग AFK करोगे ना हार्ड मोड पे सेट करके AFK करना है, क्योंकि जिसने ये फॉर्म बनाया है जिसका मैंने देख के बनाया है ना उसी ने कहा है हार्ड मोड पे ज़्यादा आयरन गोलम स्टार्ट होते हैं, मतलब स्पॉन होते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।